Hey guys, it's me, Vishnu Chhatwal. Welcome back to the Business Plug Again episode. आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे. गाइस, आप सब लोगों को तो पता है कि कल मैं आ चुका था प्रकाश दा के रूम पे प्रकाश दा को छोड़ने के लिए. आज हम लोग जाएंगे प्रकाश दा और मैं फिर से घर पे, बिकॉज सैटरडे और संडे प्रकाश दा का ऑफिस बंद रहता है इसके कारण. और प्रकाश दा सुबह सुबह उठ के खाना बना के ऑफिस चले गए और देख सकते हो हम लोगों ने रूम को पूरा साफ कर दिया. अभी तो पूरा साफ साफ है. और ये देख सकते हो, ये है प्रकाश दा का छोटा सा किचन. ये देख सकते हो, इसको भी हम लोगों ने साफ सुथरा ही रखा है. ठीक है, अभी मैं नहाऊंगा एंड उसके बाद दुकान जाऊंगा. दुकान से मैं कोनी लेके आऊंगा, कोनी यानी अंडे लेके आऊंगा एंड उसको मैं बॉईल करके रखूंगा. खाने के बाद हम लोग अपने गांव पे चले जाएंगे. सो आप लोगों से मैं बाद में मिलता हूँ. A few moments later. Okay guys, अभी मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ. सो अभी मैं जा रहा हूँ अंडे लेने के लिए. सो चलो अंडे लेके आते हैं. ले लिया है अंडे, जाके मैं इनको बॉयल करता हूँ अभी. तो गाइस, अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ. पास में ही दुकान था तो जल्दी आ गया और मैंने यहाँ पर अंडे को बॉयल पे लगा दिया है. अंडे को बॉयल होने दो और मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ. 3 hours later. गाइस, अभी प्रकाश दा भी मेरे साथ आएगा. तो मैं प्रकाश दा के ऑफिस पे आया हूँ. यह है प्रकाश दा का ऑफिस और हम लोग सारे बैग बुक पैक करके जा रहे हैं. सो अभी हम लोग जाते टाइम यहाँ से ले रहे एक हेलमेट, बिकॉज जो स्कूटी और बाइक चलाते हैं ना उसको हेलमेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. आप भी चला रहे हो ना तो आप भी हेलमेट लगा के चलाओ, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलता है. The next day. Okay guys, another day, same block, so guys. और आज हम लोग जाने वाले एक पार्लर पे, लड़कियों वाले पार्लर पे जाने वाले, बट हम लोग मेकअप करने के लिए नहीं जा रहे. वहाँ पर मेकअप करके एक मॉडल का मेकअप करेंगे, उसका प्रमोशन के लिए जा रहे हैं. सो अभी चलो उधर प्रकाश दा और मैं जाएंगे. और बारिश देखो हल्की हल्की हो रही है. जैसे ही मैं हल्की हल्की बोलने लगा वो देखो जोर से चालू हो गया. कैसे जाएंगे इस बारिश में, जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे. प्रकाश दा जॉब भी करता है और फोटोशूट भी करता है. प्रकाश दा का पैशन है, इसके कारण प्रकाश दा फोटोशूट कभी नहीं छोड़ सकते. फोटोशूट भी करते हैं और जॉब भी जाता है. तो अभी निकल चुके हैं एंड बारिश भी हो रहा है. प्रकाश दा स्कूटी चला रहे हैं और आप लोगों को शायद बारिश नहीं दिखाई दे रहा होगा. हल्की हल्की हो रही है लेकिन पूरा भीगने वाले. आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते. तो अगर यहाँ पर देखते हो तो लाइक करो यार, लाइक करो. तो ये देख सकते हो हम लोग आते आते पहाड़ पे पहुँच चुके हैं. ये देख सकते हो यहाँ से पहाड़ का नज़ारा इतना सुंदर आता है ना, बिकॉज हरियाली है ना, हमारा नेचर पेड़ है. इसके कारण पेड़ लगाओ यार. पेड़ लगाने से और भी खूबसूरती निखर के आएगी. कुछ ना गाइस, अभी हमारा नेचर जो है ना धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है. पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है चारों तरफ, इसके कारण पेड़ लगाओ. हम लोग आ चुके हैं पार्लर पे एंड उधर मॉडल को रेडी कर रहे हैं और इधर देखो पूरा पार्लर का सामान होते हैं. और प्रकाश दा फ्लेश खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए लगे, ठीक हो गया. और यहाँ पर देख सकते हो सारे लोग मिलके मॉडल को सजा रहे हैं. ये है विष्णुप्रिया मणिपुरी और मणिपुरी ट्रेडिशनल ड्रेस. और आप लोग एक बार इधर देखो भाई, इतने सारे मेकअप के सामान देख के तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया एकदम अल्टीमेट. एंड देख सकते हो पूरा चारों तरफ सामान ही सामान. मेकअप हो चुका है ख़त्म और आज का मॉडल है सुहानी और दीदी ने सारा मेकअप किया है. हाय. दीदी के सर्टिफिकेट देख के मैं शॉक गया. आके वही देख रहा था. वो देखो ये दिया आपके है सारे. हाँ, मेरे स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट को भी वीडियो करो. ये देखो इस इन दीदी के स्टूडेंट है ये सारे. सारे लोग स्टूडेंट्स हैं. और यहाँ पर सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग लग गए फोटोशूट में, यानी मॉडल के फोटोशूट में. ये देख सकते हो मॉडल सामने खड़ी है सुहानी सिन्हा एंड हम लोग खींच रहे फोटोज. वो पोज दे रही है और हम सिखा रहे हैं कैसे पोज देना है उसको. बट रील्स पे पोज देती रहती है. और देख सकते हो दीदी लास्ट में लिपस्टिक जो है ना उसको थोड़ा डार्क कर रही है, बिकॉज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसके कारण. इंडोर फोटोशूट खत्म होने के बाद हम लोग चले गए आउटडोर फोटोशूट करने के लिए. आज के फोटोज बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त फोटोज आए हैं. मैं दीदी का इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना कैसे फोटोज आए हैं. अभी फोटोशूट खत्म हो चुका है और दीदी के सर्टिफिकेट देख के तो मैं शॉक हो गया. ये देख सकते हो चारों तरफ पूरा और भी है, बोल रही है इधर भी है. सो दीदी से पूछ लेते कि ये सब कहाँ से मिला और मेकअप प्रो कोर्स कहाँ से किया आपने. मैंने फर्स्ट टाइम कलकत्ता जाके किया था ईडी मेकओवर के पास. बाद में मैंने स्किल को डेवलप करने के लिए और भी मेकअप आर्टिस्ट के पास सीखा जाके. तो सिलीगुड़ी में सेकेंड टाइम सीखा वो लिपि मेकओवर के पास.
बाद में जाके मैंने सोचा कि मेकअप के अलावा और कुछ भी सीखने का है, तो मैंने वैशाखी मेकओवर के पास नेल आर्ट सीखा जाके, और अभी तो मैं स्टूडेंट भी सिखाती हूँ। 6 साल हो गया मेरा मेकअप आर्टिस्ट का। अभी फिलहाल मैं स्टूडेंट एकेडमी चला रही हूँ, वो भी आईएएसडी के अंडर पे। वो सर्टिफिकेट भी देती हूँ, आईएसओ सर्टिफिकेट देती हूँ। तो स्टूडेंट भी आज मैंने 10 डेज का क्लास करवाया था, आज फोटोशूट भी किया था। वो प्रकाश पत्थरकंदी से बुलाया था, मैं प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर है। आज बहुत एंजॉय भी किया, वो लोग भी आए हैं यहाँ पे। और क्या कहूँ मैं मेरे बारे में, ये देख सकते हो दीदी के स्टूडेंट्स है। और आपका एड्रेस बता दो। दुर्लभसरा एचएस रोड और नियरेस्ट कोऑपरेटिव। अच्छा, आपके पास मतलब सीखने के लिए भी आ सकते हैं? हाँ, बहुत स्टूडेंट भी, 10 स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी रनिंग में है एकेडमी। अभी मेकअप कोर्स चल रहा है सर। अच्छा, और आज का मॉडल जो है ये सुहानी है इसका नाम। देखिए, आज मैंने क्लास डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था स्टूडेंटों को। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, मणिपुरी ट्रेडिशनल ड्रेस। और किसी को ये ड्रेस अगर पहन के सूट भी कराना हो तो रेंट पे मिलेगा आप सबको, और ज्वेलरी भी मिलेगा। अच्छा, सुहानी तो बहुत वीडियोस बनाती है। आज तो कितने रील्स सुहानी ने, आज तो बहुत रील्स बनाया होगा। रील्स भी बनाया है। सो अभी दोपहर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते तो पूरा रात हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं, आते आते तो पूरा रात हो गया। अगर आपको मेकअप सीखना है ना तो दीदी को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे दीदी का आईडी डाल दूंगा, वहां से जाके दीदी को कांटेक्ट करना एंड मेकअप सीखने के लिए चले जाना उधर। वीडियो करते एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा करना है, पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।